हाय दोस्तों, हम यहाँ पर मडिवाड़ माचेश्वर होंडा बोलते हैं एरिया को, इस प्लेस को, एक हिस्टोरिकल प्लेस है 12th century का। द ग्रेटेस्ट शरणार्थ में मडिवाड़ माचेश्वर भी थे। उन्होंने 12th century में जो हमारे यहाँ बस कल्याण में कल्याण क्रांति हुआ था, कल्याण क्रांति के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप गूगल कर सकते हो। कल्याण क्रांति में क्या हुआ था कि जो भी जातिवाद के खिलाफ लड़ाई हुआ था, एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई था, जो लोग इकट्ठा होते थे और वचनास बोलते हैं वचन को लिखते थे और लोगों में एक अवेयरनेस करते थे। और ये ऐसा बसवा कल्याण ऐसा भूमि है कि यहाँ पर वर्ल्ड का फर्स्ट पार्लियामेंट बना था, जो उसको अनुभव मंडप बोलते हैं। अनुभव मंडप इस एरिया से एक 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर होगा, अनुभव मंडप उस तरफ है। उस एरिया को भी एक दिन जाएंगे और वहाँ पर ब्लॉक करेंगे। और इस प्लेस को बहुत ही अच्छे से डेवलप किए हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है बसवा कल्याण में। और फिर से हम मिलेंगे हमारे दोस्तों को राहुल एंड माणिक। हम बहुत ही इधर उधर घूमते रहते हैं, बहुत ही दिनों से, एक महीने से थिंक कर रहे थे कि व्लॉग बनाएंगे। व्लॉग बहुत ही अच्छा सा हिस्टोरिकल प्लेसेस है हमारे यहाँ, लेकिन कोई भी व्लॉग बनाने के लिए नहीं सोचे थे, तो हम सोचे कि हम क्यों ना ट्राई करें। तो ऐसे ही व्लॉग बनाते रहेंगे, आप हमें सपोर्ट करते रहिए और ट्राई करते हैं कि अच्छा सा कंटेंट देने के लिए। जैसे कि व्लॉग बनाते हैं तो कुछ भी ऐसा बकवास व्लॉग बनाने के लिए हमारे बिल्कुल मन नहीं है। व्लॉग बनाते हैं तो कुछ उसमें एक जानकारी रहना, एक इन्फॉर्मेशन रहना, इन्फॉर्मेशन के साथ व्लॉग बनाएंगे। और जो भी जिसके बारे में हो, जिस प्लेस के बारे में हो, और जो भी फूड व्लॉग भी कर सकते हैं तो उसके बारे में भी, लेकिन उसमें कुछ स्पेशल रहना चाहते हैं। तो ऑलवेज वी ट्राई टू शो यू समथिंग स्पेशल। तो उस तरफ मंदिर है, मडिवाड़ माचेश्वर मंदिर, उस तरफ जाएंगे, वो मंदिर को हम दिखाते हैं आपको। और ये तालाब है, ये अब एक 7-8 160 है, हाँ, 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 एक राहुल, ये जो तालाब है, जो ये 2010-11 से जो इसको बनाया जा रहा था, खुदाया गया था, तब से गवर्नमेंट अंडर में लिया गया है। और इस तालाब की भी ऐसी हिस्ट्री है, जो कि बसवेश्वर ने जो है ना रात को यहाँ पे रुके हुए थे, तो उनको सुबह जाना था कहीं दूसरे गांव पे, तो उस गांव को जाने के लिए उनके कपड़े जो है ना खराब हुए थे, तो इनके बसवेश्वर के जो अनुयायी रहते हैं ना शरणों, तो वो सब मिलके ये तालाब एक रात में, मतलब रात से मॉर्निंग तक खुदाई करके पानी निकाल के जो उनके कपड़े जो धो के उनको मॉर्निंग दूसरे गांव भेज दिया गया। देखिए, ऐसे बसवेश्वर जी के अनुयायी थे, जो राहुल जी ने जो भी इन्फॉर्मेशन दिए, बसवेश्वर जी ऐसे यहाँ पर रुके थे बोलकर, तो उस टाइम में बसवेश्वर जी बहुत ही बड़े काम किए कि एक नीचे, बहुत ही नीचे लोगों को, अपने मान लोगों को एक समाज में एक स्थान देने के लिए बसवेश्वर जी ने ट्राई किए। तो उनके साथ बसवेश्वर जी के जो भी टीम था, जो हमारा शरणस टीम था, उस टीम में मडिवाड़ माचेश्वर जी भी थे। तो बहुत ही ग्रेटेस्ट हिस्ट्री है, ना कि केवल कर्नाटका में, ना कि केवल इंडिया में, आप कह सकते हो पूरे वर्ल्ड में ग्रेटेस्ट हिस्ट्री है, पूरे वर्ल्ड का बता रहा हूँ मैं। और ये जो मंदिर बना है, एक 10 साल का पुराना, अब पहला जो मंदिर था वो छोटा था उस टाइम का, जो 12th century का, उस मंदिर से अब ये इसको नया टच दिया गया है,
तो बहुत ही अच्छा सा स्कल्पचर आपको मिलेगा देखने को। हम अंदर भी जाएंगे। राहुल बर्रे अंदर जाएंगे, आपको बर राहुल राहुल और माणिक वहाँ पर गए हैं। वहाँ पर एक कुआं है, कुएं में देख रहे हैं। यहाँ पर एक कुआं है, सभी पुराना कुआं है, पुराना ये कुआ जो है ना पत्थरों से बनाया गया है, उसी टाइम पे जो है 11वीं 12वीं ईस्वी में बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे मडिवा मच्छर का जो यहाँ पे एक टेंपल था, मतलब उनका एक घर ही था यहाँ पे, उसी को हम सब टेंपल बना के टेंपल से पूजन करते हैं, उसी तरह से इसको कंटिन्यू किया गया है। तो उस टाइम का ये जो है ना पानी के लिए सभी को यूज होना बोल के जो बनाया गया था। राहुल और माणिक अंदर गए हैं, दर्शन कर रहे हैं। मडिवाड़ माचेश्वर हैं और किती भारी होत होतं हा म्हणे ह्या भीती होत घालणे बघितलं असं लाईन घालणे भारी होत मडिवाड़ माचेश्वर और बसवेश्वर जलसंधी आहे दोनों है और शिवलिंग है। और स्कल्पचर ये मॉडर्न स्कल्पचर है, मॉडर्न आर्ट है, जो भी मॉडर्न कला है, फिर भी बहुत ही अच्छे किए हैं। जो उस टाइम का जो कलाकारिता था वो टच दिया, उस कलाकारी का टच देने के लिए प्रयास किए हैं। तो ये मंडप है, मंडप और राहुल मालिक दोनों बैठे हुए हैं। तो इस तरफ से जाएंगे, फेरे लेंगे। मडिवाड़ माचेश्वर टेंपल इसको बहुत ही अच्छे से डेवलप किए हैं। एक बहुत ही खुशी होता है कि एक हमारे जो हिस्टोरिकल प्लेस है उनको उसको एक अच्छे तरह मेंटेन किए हैं। और हम लोगों को भी बता सकते हैं कि अच्छा है प्लेस, जाओ देखो बोलकर। पूरा जो एक राउंड शेप में है ये एरिया, एक राउंड शेप में है और सभी जगह में वचन लिखे हैं। आप वो पत्थरों में देखिए,
वो बोर्ड जैसे आप दिख रहे हैं वहाँ पर वचन लिखे हैं। और एक हरियाली मेंटेन किए हैं, ग्रीनरी जहाँ देखो वहाँ ग्रीनरी है, अच्छा सा फील होता है यहाँ पर बैठने के लिए।